हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यार मशहूर में। आज मैं आपको बतलाऊंगा पैनकेक मियाने वाले पजामे की कटिंग बिल्कुल आसान और इजी फार्मूले के साथ। इस पजामे की हम जिस मेजरमेंट पर कटिंग करेंगे, हम सबसे पहले इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। मेजरमेंट इस तरह है, इसकी लेंथ है 38.5 इंच, मोरी है 13 इंच और हिप है इसके 40 इंच। इसकी लेंथ हो गई, इसकी मोरी हो गई, हिप हो गई 40 इंच। इस मेजरमेंट में हम आपको पैन कट मीडियम फिट मियाने वाले पजामे की कटिंग करना हम आपको बतलाएंगे। ये जो हमने फैब्रिक लिया है, फैब्रिक जो है ये है 220। ये देखिए 110 और 110 220। छोटे आर एस का फैब्रिक है 36 इंच का। इसे जो हमने बिछाया फोर लेयर में बिछाया है, किनारी वाला पीस हमने अपनी साइड कर रखा है, 1 2 3 4 उल्टी तरफ से बिछाया है। इसका फ्रंट यानी कि सीधा हिस्सा ये है। इन चारों पीसों को हमें एक साथ काट लेना है और ये चारों ही हमें एक बराबर कट करने हैं क्योंकि मियाने वाला पजामा है। चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को स्ट्रेट करने के लिए एक स्ट्रेट मार्क करेंगे। इसके बाद में हमें नेफे के लिए इसका मार्जिन कर रखना है। नेफे के लिए हम मार्जिन का मार्क लगाएंगे, वो लगाएंगे 2.5 इंच पर। अब इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। जस्ट किनारे पीस से छोड़ करके एक मार्क ये हमें स्ट्रेट कर लेना है 13 से 14 इंची तक। इस मार्क में हमें अपनी इंची टेप को रख लेना है और इसकी लंबाई का मार्क कर लेना है 38.5 इंच पर। 38.5 इंच में इसकी लेंथ आपको बतलाई थी, 2 इंच जो है बॉटम के मार्जिन के लिए कर लेना है। इसका हम आसन उतारेंगे, आसन उतारेंगे हिप के फार्मूले पे। हिप मैंने आपको बतलाया था 40 इंच, 40 को हम फोर से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 इंच। इसमें को हमें 4 इंच और प्लस कर देना है, 10 4 14 इंच। ये देखिए 14 इंच पर ये हमारा मार्क आ गया। ऐसे ही सेम हमें इधर भी 14 इंच पर लगा लेना है। अब इन दोनों निशानों को हमें स्ट्रेट कर लेना है। इसके जो हम थाई के लिए लगाएंगे, थाई के भी हम कहीं फार्मूले से लगाएंगे। एक मैंने आपको बतलाया था 40 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 10 इंच। अब इसमें हमें लूजिंग कितनी ऐड करनी है, ये मीडियम फिट पजामा है, इसमें हम 4 इंच ऐड करेंगे। कुछ कस्टमर ज़्यादा लूज पहनने वाले हो तो उनके 4.5 5, इससे ज़्यादा नहीं। और जो टाइट पहनने वाले हों तो 3.5 या 4.5। अब इसमें हम जो है 4 इंच ऐड करेंगे इस मार्क से, 10 4 14। ऐसे ही सीधा निशान कर लेना है ऊपर भी। अब इन दोनों निशानों को हमें स्ट्रेट मिला लेना है। ये हमारा डब्बा सा बन गया है। मोरी की मार्जिन का ये हमें लेंथ वाला मार्क सीधा कर लेना है। किनारी पीस से हमें 2.5 इंच पर ये मार्क लगा लेना है ताकि हमारे स्ट्रेट पजामा गिरे पहनने के बाद ही। इसलिए 2.5 इंच मोरी मैंने आपको उसके बदलाई थी 13 इंच, 13 का हाफ होगा 6.5 इंच। 1 इंच दोनों तरफ की सिलाई के मार्जिन के लिए भी हमें इसी में प्लस करना है, 6.5 और 1 7.5 इंच पर ये मार्क हमें कर लेना है। अब इन दोनों निशानों को हमें सेब स्केल से मिला लेना है। मैं आपको पैनकेक मियाने वाले पजामे की कटिंग बतला रहा हूँ बिल्कुल आसान और इजी फार्मूले के साथ। ये हल्की सी भी हमें नीचे बना लेनी है। इसी तरह से हमें ये इधर भी सेब पट्टी से ही मार्क कर लेना है। यह भी हमें नीचे हल्की सी भी बना लेनी है। ये हमारे मार्क लग गए हैं, इन्हीं मार्कों पर हमें कटिंग करनी है। चारों पीस हमें एक जैसे एक बराबर कट करने हैं। इसमें हम पॉकेट लगाएंगे, पॉकेट के हमें मार्क लगा लेने हैं। इस नेफे के मार्क से हमें
पौने 3 इंच पर ये मार्क कर लेना है। 6 इंची हम इसका मुंह खोलेंगे, 6 इंची पर ये मार्क कर लेना है। इसका मेजरमेंट भी मैंने आपको बताया था, 38.5 इंच इसकी लेंथ है, 13 बॉटम है, 13.5 साढ़े 6 इंच, 1 इंच प्लस करके मतलब आप हाफ इंच इधर सिलाई के मार्जिन में आएगा और हाफ इंच इधर सिलाई के मार्जिन में आएगा। 7.5 पर ये मार्क लगाया है। इसे हमने आसन उतारा वो भी फिर फार्मूले से उतारा है, 40 ही पे, 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 10 इंच, 10 इंच में को 4 इंच प्लस करने के बाद में 14 इंच पर हमें मार्क करा है। यूनी मार्क को हमें कटिंग कर लेना है। यह मैं आपको पेन कट मियाने वाले फिलामे की कटिंग दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आसान और इजी फार्मूले के साथ। यह हमें इसमें नोच लगा लेने हैं इस तरफ भी। अगर आप हैं चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।